कोरोना वायरस के कारण पिछले कुछ महीने से स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है। हालांकि कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने भी ऐलान किया है कि 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर, साथ ही कई अन्य जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं, साथ ही पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सभी को खोलने की अनुमति दी जाएगी। पैरामेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 11 जनवरी से इन्हें खोल दिया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश और प्रदेश में कोविड-19 के नए स्ट्रेन के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो चिंता का एक विषय भी जरूर है। इसके प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। इसे देखते हुए कुछ जो है ज़्यादा एहतियात भी बरतने की ज़रूरत है। इसके साथ ही इंग्लैंड के साथ ही कई देशों से आने वाले जो यात्री हैं, जो प्रदेश में एंटर करेंगे, उन पर विशेष नज़र ज़रूर रखी जाएगी। लेकिन इसी बीच अगर शिक्षण संस्थानों की हम बात करें तो स्कूल कॉलेजेस को खोलने का ऐलान राजस्थान में भी मुख्यमंत्री की ओर से कर दिया जा चुका है। यानी कि जल्द ही अब राजस्थान में छात्र छात्राएँ स्कूलों में जाकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। इससे पहले कोरोना के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही थी, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा को सुचारू ढंग से चलाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच जब कोरोना के मामले में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जा रही है, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर इतना उत्साह बना हुआ है, वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं, तो उसी बीच अब सभी राज्यों में धीरे धीरे निर्णय लिया जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया जाए ताकि बच्चे स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को राजस्थान में खोल दिया जाना है। इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों को 11 जनवरी से राजस्थान में खोला जाएगा, जिसके बाद एहतियात के तौर पर काफ़ी सारे कदम स्कूल और कॉलेजेस में ज़रूर उठाए जाएंगे। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी ज़रूर की जाएगी। जिस तरह से ब्रिटेन से कोरोना का नया स्ट्रेन उठा है, पूरे देश में इसके मामले निकल कर सामने आए हैं, पूरी दुनिया में ये नया स्ट्रेन कहर ढा रहा है। इसी बीच अब निर्णय ज़रूर स्कूल खोलने का लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही ना बरतने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं और एहतियात के तौर पर नए स्ट्रेन से सावधान रहने को भी कहा गया है। और हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। गौरव, स्कूल्स को खोलने का ऐलान किया जा चुका है, 18 जनवरी से स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। उसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 11 जनवरी से राजस्थान में वो भी खोल दिया जाना है, लेकिन कोरोना का नया स्ट्रेन भी जरूर सामने आया है। देश में भी इसके मामले निकल कर सामने आए हैं और खुद मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। तो अब जब स्कूल्स खोले जाएंगे तो किस तरह के एहतियात वहां पर बरते जाएंगे? गौरव, देखिए ईशानी, ऐसा है कि यहाँ पे जो स्कूल खोले जाएंगे तो 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस पहले खोली जा रही हैं, और उनमें भी ये नियम रखा गया है कि 50% स्टूडेंट एक दिन और 50% स्टूडेंट दूसरे दिन, ऐसे ऑल्टरनेट करके 50-50% स्टूडेंट्स को बुला पाएंगे एक कक्षा में, और उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे नियम का पालन करना होगा। उनके बैठने की जो व्यवस्था है वो सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार होगी, मास्क यूज करना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा। जो टीचर्स वहाँ हैं उनको स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना होगा, इस चीज की गाइडेंस और इस चीज की समझ रखनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाता है। अगर उनको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है, वो मेडिकल डिपार्टमेंट से भी सहायता ले सकते हैं चीजों को समझने के लिए कि किस तरीके से। जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल्स में 50-50% करके बच्चों को बुलवाया गया है, एक दिन 50% बच्चे आएंगे, दूसरे दिन 50% बच्चे आएंगे, साथ ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर इसी बीच हम नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, पैरामेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो इन कॉलेजेस में लैब में खासा काम किया जाता है, तो लैब में किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि वहां पर इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल में लाया जाएगा, तो उन चीजों को लेकर कैसे एहतियात बरतेंगे? गौरव, देखिए ऐसा है कि जो नर्सिंग स्टाफ की, नर्सिंग कॉलेजेस की बात करें या पैरामेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो इनको 11 जनवरी से खोला जा रहा है, और इनमें एहतियात के तौर पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। जो लैब्स हैं उनको पहले पूरा फुली सैनिटाइज किया जाएगा, जो क्लासरूम्स हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा, हर जगह को सैनिटाइज किया जाएगा, और फिर इनको शुरू किया जाएगा और उपयोग के बाद दोबारा सैनिटाइज किया जाएगा। तो सैनिटाइजेशन की एक तो लैब में पूरी व्यवस्था होगी, दूसरा जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग को महत्व दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। कोई भी लैब में अगर कुछ काम होता है, कहीं भी काम होता है, तो उसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम होगा, एक साथ सारे स्टूडेंट नहीं जाएंगे, शिफ्ट्स में स्टूडेंट जाएंगे। और जी बिल्कुल गौरव, इसके साथ ही जो परिजन है उनकी ओर से कैसी प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि कई जगहों पर जहां स्कूल खोल दिए गए हैं कुछ ही बच्चे स्कूल्स में आ रहे हैं, जो अभिभावक हैं वो अब भी बच्चों को स्कूल्स भेजने से डर रहे हैं। तो राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं, जब स्कूल खुलने का ऐलान कर दिया गया है, 50% क्षमता के साथ क्लासेस शुरू की जाएंगी, तो अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई? गौरव,
हैं वो अभी स्कूल बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अभी जिस तरीके से नए स्ट्रेन की भी न्यूज आई है और कोरोना अभी थमा है और बच्चों को भेजने में डर रहे हैं अभिभावक। जो प्रथम जो हमारे पास रिव्यू आए हैं उसमें तो इस तरीके की बातें आई है, बाकी अभी स्कूल जब 18 से खुलेंगे तब एक रियल पिक्चर निकल के सामने आएगी कि रियलिटी में क्या होता है, किस प्रकार की लोगों में कितना भय रहता है, कितने लोग भेजते हैं कितने लोग नहीं भेजते। पर रिव्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी लोगों का थोड़ा सा इस तरीके का कहना है कि नहीं अभी नहीं भेजना चाहते हैं, अभी नहीं भेज पाएंगे, इस तरीके की बात है। तो लगता है कि करीब 75% अभिभावक डरे हुए से हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी के लिए।